हेलो बच्चों, मैं आपकी हिंदी मिस अनीता सिंह मिस आपके लिए आज एक नया लेसन लेकर हाजिर हूँ, जिसका नाम है मैना पानी पीना। मैना पानी पीना। तो इस कहानी में एक बच्चा है तुम्हारे जैसा, जो मैना को पानी पिलाना चाहता है। आपको पता है कितने सारे पक्षी, इतने सारे पक्षी हैं, जब गर्मी के दिनों में पानी सब जगह सूख जाता है। आपको पता है ना, जब गर्मी के दिन आते हैं तो कहीं गड्ढे में पानी नहीं रहता, नदियाँ सूख जाती हैं, तो पक्षियों को पानी पीने को नहीं मिलता है। फिर सारे पक्षी पानी के बगैर दुखी हो जाते हैं। वो कौवा की कहानी सुनी क्या आपने? एक कौवा प्यासा था, जग में पानी थोड़ा था। फिर कौवा क्या करता है, सब जग में लाके, घड़े में पानी थोड़ा था तो घड़े में क्या करता है, पत्थर बीन बीन के लाके डालता है, पानी ऊपर आता है और फिर कौवा पानी पीता है। तो यहाँ एक मैना है। मैना भी एक पक्षी का नाम है, जैसे तोता, मैना, बुलबुल, कोयल, कौवा, ये सारे पक्षी हैं। तो पहले मैं कहानी आपको बता दूं, बाद में आपसे थोड़ी बातें करती हूँ पक्षियों के बारे में, है ना। कहानी में क्या है, गर्मी के दिन थे, क्योंकि ऐसे दिन जब पक्षियों को पीने को पानी नहीं मिलता है वो गर्मी में होता है। सर्दियों में और बारिश के दिनों में पानी मिल जाता है उनको आसानी से पीने को। तो गर्मी के दिन थे, धूप तेज थी। मैना ने सुबह से कई तरह के दाने खाए पेट भर कर। उसे अब खूब प्यास लगी थी, पर पानी कहीं दिख नहीं रहा। मैना ने इधर उधर देखा, ऊपर देखा, नीचे देखा, पर पानी कहीं नहीं दिखा। मैना की प्यास बढ़ रही थी। मैना नल के पास गई, वह बंद पड़ा था, सूखा था। मैना पेड़ की जड़ के पास गई, वह भी सूखा। उड़ती उड़ती मैना पहुंची मिट्ठू के घर के सामने। ऐसे तो हम तोता को ही मिट्ठू कहते हैं, लेकिन यहाँ लड़के का, बच्चे का नाम मिट्ठू है। तो मिट्ठू के घर के सामने पहुँच गई। वहाँ मिट्ठू पेड़ के नीचे एक कुंडे में पानी भरकर पक्षियों को बुला रहा था। मिट्ठू ने मैना को देखा तो बोला, मैना पानी पीना। मैना पहले तो थोड़ी डरी, फिर मिट्ठू ने प्यार से कहा, मैना पानी पीना। मैना ने पेट भर पानी पिया। वाह, ठंडा पानी, मीठा पानी। मिट्ठू खुश होकर ताली पीटने लगा। मैना ने पानी पी लिया। यानी आपने देखा, जितनी खुशी पानी पीकर मैना को हुई, उससे कहीं ज़्यादा खुशी मिट्ठू को पानी पिलाकर हुई। तो अब इससे मैं कुछ सवाल आपसे पूछती हूँ कि आपने किसी के घर के सामने ऐसी सीमेंट की टाकी, कुंडा, यहाँ क्या शब्द दिया है, कुंडा, यानी एक सीमेंट का बना हुआ कुंडा, यानी हौद, उसको हौद भी कहते हैं ना, पानी का हौद, उसमें पानी भरा है। क्यों भरते हैं लोग पानी, आपको पता है? आपके घर के आसपास भी आपने देखा होगा, हो सकता है आपके घर में आपकी मम्मी, आपकी दादी रोज पानी घर के बाहर एक हौद में भरती हूँ। क्यों भरते हैं? क्योंकि
ताकि कुत्ते को, गाय को, चिड़िया को और किसी भी जानवर को पीने के लिए पानी कम न पड़े। तो अगर किसी को प्यास लगती है, अक्सर गलियों में जब गायें घूमती हैं उनके लिए लोग इस तरह के हौद में पानी भरते हैं, लेकिन उसमें पक्षी भी पीते हैं, कुत्ते भी पीते हैं, तो सबको पानी मिल जाता है। और गर्मी के दिनों में जब पानी पक्षियों को पीने को कहीं नहीं मिलता तो हम क्या करते हैं, क्या बोलते हैं कि बालकनी में, छत पे पक्षियों को पीने के लिए आप पानी रखो। हाँ, पक्षियों को पीने के लिए पानी रखो। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि गर्मी के दिनों में नदी तालाब सूख जाते हैं, उनको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है, तो हमें ऐसा करना चाहिए। चिड़ियों को खाने के लिए थोड़ा दाना और कटोरे में पानी चिड़ियों को पीने के लिए रखना चाहिए। अच्छी बात है ना। जैसे इस कहानी में आपने देखा कि मिट्ठू को पक्षियों की चिंता है और वो सबको बुला बुला कर पानी पिला रहा है। जैसे मैना पानी पीना, यानी उसको तो नहीं पता है ना कि मैना को बहुत प्यास लगी है और मैना पानी ढूंढ रही है, लेकिन फिर भी उसने अपने घर के सामने पानी भरा है और वो बुला बुला कर पानी पिला रहा है ना। आप ऐसा करते हैं कभी? ऐसा हमें करना चाहिए ताकि पक्षियों को पानी मिले और हमें सुकून। हमें इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि किसी ज़रूरतमंद को, अगर जिसको ज़रूरत है आपने उसकी मदद की, तो उसको जितना अच्छा लगता है उतना ही सुख हमें भी मिलता है। हाँ, तो इसलिए हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए, दूसरों से प्यार से बात करनी चाहिए। कितना प्यार से बात किया मिट्ठू ने मैना के साथ। ऐसा लग रहा है कि जैसे वो दोनों पहले से ही बहुत अच्छे दोस्त हों। और जबकि मैना पहले तो डर गई थी कि वो क्यों बुला रहा है, ऐसे क्यों बोल रहा है, लेकिन बाद में वो कितनी खुश हो गई। तो इस तरह से हमें हमेशा पक्षियों की, जानवरों की मदद करनी चाहिए क्योंकि वो बोल नहीं सकते, बेजुबान होते हैं। और जो जानवर अपना मतलब बता नहीं सकते ना कि मुझे भूख लगी है, मुझे प्यास लगी है, इसलिए हमें उनके खाने पीने के लिए ज़रूर अपनी बालकनी में, छत पर थोड़ा बहुत खाने के लिए दाना और पीने के लिए पानी रखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ भी दिया है कि छत पे किसी ने दाने डाले हैं और मैना खा रही है, तो पेट भर के दाने उसने इसीलिए खाए क्योंकि लोगों ने उसको उसके लिए दाने छत पे डाल रखे हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ तो छत पे एक टंकी भी दिखाया है, लेकिन उसका मुंह बंद है ना, ढक्कन बंद है, तो वो पानी कैसे पिएगी। तो आपके लिए ये बात बहुत याद करने जैसी है, ध्यान में रखने जैसी बात है कि जब भी आपको मौका मिले तो अपने घर के बाहर छत पे पक्षियों के लिए पानी और दाना जरूर रखें। आपके घर में आपकी मम्मी दादी रखती भी होंगी, ऐसा नहीं है, लेकिन आप अपनी तरफ से उनके लिए खाने पीने की व्यवस्था हमें करना चाहिए, खासकर गर्मी के दिनों में, गर्मी के दिनों में, ठीक है। तो कैसी लगी आपको ये कहानी? सबसे पहले तो आप ये कहानी को खुद से रीड करो, मैंने एक बार पढ़ दिया है आपके लिए, अभी आपको ये कहानी खुद से पढ़नी है। बहुत ही प्यारी कहानी है, एक एक वर्ड को बड़े ध्यान से पढ़ो और समझो। चित्र भी बड़े प्यारे दिए हैं और मैसेज, संदेश जो है इस कहानी का, वो तो सबसे अच्छा है, बहुत ही प्यारा है। ओके, और इस कहानी से रिलेटेड जो भी एक्सरसाइज है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। छोटी सी कहानी है पर बहुत प्यारी है, अच्छी सीख देने वाली है, तो हमें इससे कुछ सीखना चाहिए। और आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या सीखना है? अच्छी रीडिंग करना, ठीक है। तो सबसे पहले आप कहानी को अच्छी तरह से रीड करेंगे और इसमें जो सिखाया गया है उसको भी आप अमल में लाएंगे।
ठीक है, ओके बाय।